राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हुआ, जहां पर एक चलती गाड़ी में एक महिला के साथ रेप की वारदात सामने आई। जी हां, घटना मधु विहार इलाके की है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय महिला जो कि शिव विहार की रहने वाली है, उसी का ही दोस्त जिसका नाम सूरज भान बताया जा रहा है, वो महिला को नौकरी का बहाना देकर सबसे पहले तो गाड़ी में बिठाता है और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है। जी हाँ, पुलिस ने यह भी बताया कि गाड़ी में 3 लोग सवार थे, सूरज भान के साथ उसका एक दोस्त और साथ में ड्राइवर था। हालांकि जब महिला ने विरोध जताया तो उस महिला की पिटाई भी की गई और उसके बाद आनंद विहार के पास चलती गाड़ी से उस महिला को फेंक दिया गया। आनंद विहार में ही मौजूद एक शख्स ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक 7:30 बजे की PCR कॉल की गई, पुलिस मौके पर पहुंचती है, महिला को तुरंत ही LBS अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर महिला के बयान के बाद मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल में रेप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसके अंदर मारपीट की धारा भी जोड़ी गई है, साथ ही 376 रेप की धारा भी दर्ज की गई है। महिला के मुताबिक जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया वो उसी का ही दोस्त बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं आरोपियों की पहचान इस पूरे मामले पर कर ली गई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस आश्वासन बिल्कुल दे रही है कि जल्द से जल्द इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन लगातार राजधानी दिल्ली में रेप की वारदातें बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इस मामलों पर लगाम लगाने में अभी तक नाकामयाब रही है। कैमरामैन मनीष के साथ जतिन शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।